असल आज हैदराबाद में होगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। दो दिन तक सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस जीत की रणनीति बनाएगी। राजस्थान व तेलंगाना सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा। कल तेलंगाना के लिए पांच गारंटी की घोषणा भी कांग्रेस करेगी। इन पांच गारंटी में सीएम गहलोत की योजनाओं की छाप रहेगी। राजस्थान की योजनाओं की आज देश भर में चर्चा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी मीटिंग व मेगा रैली में शामिल होंगे। राजस्थान में जीत की रणनीति के बारे में रोड मैप रखेंगे सीएम अशोक गहलोत। साथ ही साथ राजस्थान में बड़ी सभा के लिए राहुल सोनिया खड़गे को निमंत्रण भी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है। दो दिन तक सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस जीत की रणनीति बनाएगी। इससे पहले आपको बताया था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मंथन होने वाला है। एजेंडे दरअसल तय हो गए हैं, क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कांग्रेस का फोकस वहां पर जहां पर उसकी सरकार है और साथ ही साथ जहां उसे संभावनाएं नजर आ रही है। तेलंगाना की बात करें, यही वजह है कि यहां पर सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर अभी अपडेट बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में ही दीपिका हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और तमाम उनके आगमन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। काफ़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने और उनका स्वागत करने यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक है तो और भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का आवागमन यहाँ पर जारी है। और जैसी जानकारी हमें मिली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो स्पेशल प्लान है वो थोड़े समय में लैंड करेगा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के अंदर ही रुकेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर वो जाएंगे अपने होटल। तो काफ़ी संख्या में जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो मुख्यमंत्री का वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का जो विमान है वो उड़ान भर चुका है मुंबई से दीपिका, और थोड़े समय में ही वो हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। जो नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है उसकी पहली बैठक है, और वो भी ऐसे समय में जब चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनमें से दो राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि उन चुनावों, जो चुनावी राज्य, उन पर तो चर्चा हुई, तेलंगाना में भी इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और इसीलिए तेलंगाना का चुनाव किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने आए हैं। बताइए सर, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का प्रवासी राजस्थानियों को? आप देख रहे हैं यहाँ ऐतिहासिक स्वागत समारोह होने जा रहा है। भारी और सैकड़ों की तादाद में हमारे प्रवासी यहाँ पहुँचे हैं, जो कल राजस्थान फाउंडेशन के लिए भी जो कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री जी के प्रति जो हमारे जो राजस्थान के जो प्रवासियों की जो भावना है उसको देखते हुए पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां भी आ रही है, क्योंकि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का, गरीब का जो कल्याण किया है 5 साल, उसके लिए लोगों में इतना बड़ा भारी उत्साह है। मिशन राजस्थान 30 को लेकर, 2030 को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 2030 के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं और 2030 की पूरी तैयारियों के साथ पूरे प्रदेश की कांग्रेस की टीम, यूथ कांग्रेस, NSA, पूरी हमारी टीम लगी हुई है। आपने देखा है प्रदेश में हर योजनाओं को हम लोगों ने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल, आप देख रहे हैं पूरे हर जिले में, गली मोहल्ले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो देखिए दीपिका, प्रवासी राजस्थानी काफ़ी संख्या में आए हैं मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, और मिशन 2030 जो राजस्थान है मुख्यमंत्री का, जिसे लेकर काफ़ी मीटिंगों का दौर हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, तो वो आज हैदराबाद में भी है। कल शाम को जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उनसे वो सुझाव लेंगे कि 2030 में राजस्थान कैसा होना चाहिए, किस सेक्टर में वो और क्या महत्वपूर्ण काम देखते हैं जो राजस्थान में होने चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो उनका मिशन 2030 है वो राजनीति से परे है। पता नहीं 2030 में कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उनका सपना है कि 2030 तक राजस्थान एक ऐसा राज्य बने जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक मॉडल हो। तो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके आगमन का सिलसिला जारी है। सलमान खुर्शीद अभी यहाँ पहुंचे थे, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, उनसे बातचीत की मैंने। अंबिका सोनी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, मुकुल वासनिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं
उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और थोड़ी सी देर में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं हैदराबाद। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री तो पहुंच जाएंगे, आप बता रहे जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी, तो उनके आगमन को लेकर क्या जानकारी है? देखिए 12:30 से 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैदराबाद पहुंचेंगे, और जैसी जानकारी हमें मिली है यहाँ जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं कि मुख्यमंत्री हैदराबाद पहुंचने के बाद अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे, वो एयरपोर्ट के VIP लाउंज में वेट करेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, और उनको रिसीव करने के बाद, उनकी आगवानी करने के बाद मुख्यमंत्री उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वो जो दूसरा एयरपोर्ट है हैदराबाद में दीपिका बेगमपेट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वहाँ आने का था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसलिए मुख्यमंत्री इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उनका जो उनकी जो टीम है उनका जो काफिला है वो तैयार हैं, तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत देर में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे हैदराबाद। और CWC की बैठक के बारे में अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा दीपिका कि तेलंगाना का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस संभावनाएं देखती है, कांग्रेस श्रेय लेती है कि हमने तेलंगाना को अलग राज्य बनाया, लेकिन इसके बावजूद जब पहली बार यहाँ चुनाव हुए तो KCR को बड़ी जीत मिली, तो इस साल के आखिरी में तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो KCR है वो अभी तक इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनावों को मजबूती से लड़ा जाए और जो वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने अलग राज्य बनाया है, क्योंकि ये लड़ाई हमको देखने को मिलेगी कल भी, कल अमित शाह भी आ रहे हैं हैदराबाद, अमित शाह की भी एक बड़ी रैली है और उनकी रैली इसलिए है कि जिस समय हैदराबाद का विलय हुआ हिंदुस्तान में और कांग्रेस इस बात का श्रेय ले रही है कि उन्होंने तेलंगाना को अलग राज्य बनाया, तो बिल्कुल चरम पर है राजनीति और आज कल परसों 2-3 दिन हैं वो हैदराबाद में राजनीति के बिल्कुल कह सकते हैं कि उठा पटक वाले दिन रहेंगे दीपिका। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि 17 तारीख को तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, भाजपा की तरफ से बड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, बेहद दिलचस्प होने वाला है ये रण, क्योंकि यहां पर एक तरफ तो पार्टियां रणनीति बना रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से तेलंगाना को चुना गया है CWC की बैठक के लिए, तमाम अहम संदेश भी यहां से दिए जा रहे हैं। कि साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात हम कर लेते हैं शिवेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर रणनीति क्या रहेगी राजस्थान में जीत की, ये भी पेश करने वाले हैं। देखिए प्रवासी राजस्थानियों से उनका संवाद होगा दीपिका, हालांकि ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है, जैसी हमें जानकारी मिली है ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये मिशन राजस्थान 2030 को लेकर है, लेकिन जाहिर तौर पर जब इतने अधिक संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं तो उनसे मुख्यमंत्री की बैठकें भी होंगी, मीटिंग भी होंगी और ये चर्चा तो होगी CWC में भी होगी और उसके बाहर भी होगी, जैसा हमें अभी 2-3 नेताओं ने बताया जिनसे हमारी बातचीत हुई कि जो 5 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में जनरल इलेक्शन होना है, उन चुनावों में भी ये बातचीत होगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई जाए, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं दीपिका जिनमें कांग्रेस मानती है कि उनकी सरकार फिर से आ सकती है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ऐसे राज्य हैं जहां उनकी सरकार चल रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी इसलिए उनकी सरकार गिर गई, तो ये मान के चल रही है कांग्रेस पार्टी कि अगर वो मेहनत करें तो 2 राज्यों में सरकार बचा सकते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार ला सकते हैं, लेकिन अगर 3 राज्यों में वाकई कांग्रेस की सरकार इन चुनावों में आई तो फिर 2024 की जो राह है वो मुश्किल कर सकती है कांग्रेस पार्टी BJP के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, और इसी लिहाज से जो CWC की बैठक है जो इस गठन के बाद पहली बार हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई प्रमुख एजेंडों पर चर्चा होगी और ये चर्चा होगी खासतौर पर कि आने वाले चुनावों में किस रणनीति से कांग्रेस पार्टी को उतरना है और पार्टी को जीत दिलानी है। शिवेंद्र, एक बात और जरा ये भी बताइए, क्योंकि आपने बताया कि इससे पहले कई जो CWC के सदस्य हैं, सलमान खुर्शीद की बात की जाए और भी अन्य सदस्य जब पहुंचे तो आपने उनसे बातचीत भी की थी, हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में या फिर यूं कहें कि कभी भी मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात करें तो 1:30 से 12:30 का समय बताया जा रहा है, तो यहां पर जब एयरपोर्ट के अंदर रुकेंगे तो बाकी जो सदस्य हैं ये सभी साथ में रुकने वाले यहां पर? देखिए बाकी जो सदस्य हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं बैठक स्थल के लिए, क्योंकि इस बार व्यवस्था ये की गई है दीपिका कि ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो VIP नेता हैं, उनके रुकने का प्रबंध भी उसी होटल में किया गया है जहाँ पर कि बैठक होनी है, ताज कृष्णा ये होटल है बंजारा हिल्स में, यहीं पर ये बैठक होगी और यहीं पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो रुकेंगे, तो कुछ नेता हैं ऐसे जो रुक भी रहे हैं अपने
जो बड़े नेता हैं उनका उनकी आगवानी करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकल गए हैं मीटिंग स्थल के लिए, या फिर वो वहाँ जहाँ की उनका स्टे है। तो अब इंतजार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और आप देखिए हमारे बिल्कुल शिवेंद्र बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहे। शिवेंद्र, क्या आप जानकारी दे रहे हैं, जरा बताइएगा। बातचीत करेंगे, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं सर। कल जो मीटिंग होने वाली है मिशन राजस्थान 2030 वाली, इसके बारे में सर बताइए। मिशन 2030 के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि अगले 5 साल में राजस्थान कैसा होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और जन भागीदारी को साथ रखते हुए लोगों की भावना क्या है, वो कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं, उस दिशा में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे सरकार ने सबको शामिल किया है। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी का हैदराबाद में प्रवास था 2 दिन, और उन्होंने अपने आप ये समय निकाला हैदराबाद के और आसपास के जितने भी प्रवासी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री, हर सेक्टर के लोग, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 250 से भी ज़्यादा संस्थाएं यहाँ तेलंगाना में काम कर रही है, राजस्थानी संस्थाएं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है मैरियट होटल में शाम को 6:30 बजे। कल जब CWC की बैठक समाप्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, अपनी बात कहेंगे, और राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाना है उस बारे में एक निर्णायक कदम लेंगे। एयरपोर्ट पर भी बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी पहुंचे हैं सर मुख्यमंत्री का वेलकम करने के लिए, उत्साह है लोगों में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का जो अपने प्रवासियों के लिए, अपने निवासियों के लिए जो उनके दिल में प्रेम है, वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनके लिए अलग से समय निकालते हैं, और यही कारण है कि वो जो अपने प्रवासी कम्युनिटी है वो भी मुख्यमंत्री जी से दिल से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इस संख्या में जो लोगों को आप देख रहे हैं वो एक नमूना है, और कल शाम को होटल में एक आपको इसका एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक देखेंगे आप। देखिए, ये राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर जुड़े थे हमारे साथ धीरज श्रीवास्तव जी, जो बता रहे हैं कल के कार्यक्रम के बारे में कि कल कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 250 से अधिक संस्थाएं हैं जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगी, और वो बातचीत करेंगी मिशन 2030 राजस्थान के लिए। दीपिका, बिल्कुल शिवेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपके जरिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और जो अपडेट होगा वो भी सबसे पहले बताएंगे। 2 दिन तक CWC में कांग्रेस जीत की रणनीति बनाएगी, जिस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। हालांकि अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। अंबिका सोनी को आप देख रहे हैं, CWC की मेंबर हैं, वो भी पहुंच गई हैं, और साथ ही साथ तमाम जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई सदस्य पहुंच चुके हैं। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई, ये पहली बार है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं, और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिल के क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे, और एक उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स, वो नेक्स्ट इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। देखिए, आज पूरे देश में एक ही मैसेज है कि जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, कोई लूटपाट की सरकार चल रही है, कोई झूठ की सरकार चल रही है, और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और आज पूरे देश के हमारे सभी लीडर्स तेलंगाना में आ रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं, यहाँ बैठकर सारी विचार विमर्श होगा, आगे किस चुनाव की किस तरह से रणनीति होगी,
मैं हाल ही मध्य प्रदेश से आया हूँ, वहाँ का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, कि इस सरकार से लोग ओप चुके हैं, इस सरकार का असली चेहरा देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, और उस बदलाव की आज जो पहली बैठक है जहाँ से शुरुआत होने वाली है वो तेलंगाना और हैदराबाद से शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ इस समय अंबिका सोरी मौजूद है। मैडम, CWC की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण, हर CWC की मीटिंग महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसका एजेंडा ही इस तरह से तय किया जाता है, जो परिस्थितियाँ हैं उन पर चर्चा हो और उसका संदेश हमारे लोगों को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक पहुँचे। तो अब यहाँ आने वाले चुनाव भी आ रहे हैं, 4-5 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, और आज जैसे आप लोग खुद जानते हैं कि कांग्रेस की परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और राजस्थान में, मिजोरम में भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो हमसे 2024 की लड़ाई के लिए भी चर्चा होगी इसमें, अब ये जो अध्यक्ष कहेंगे, अभी तो राजनीतिक परिस्थितियों पर और आने वाले चुनावों पर। तो देखिए, अंबिका सोनी को आपने सुना, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, हैदराबाद में CWC की बैठक इसलिए बेहद अहम रहने वाली है। एजेंडे फिक्स हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि एजेंडे में शामिल है नए सदस्यों का औपचारिक मिलन भी, चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति जो बनाएगी वो भी खास फोकस उस पर रहेगा, लेकिन खास है राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, यहाँ पर विशेष फोकस इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है इसी साल। इन राज्यों में टिकट चयन, प्रचार और प्रसार की शैली क्या रहनी चाहिए, साथ ही साथ कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को कैसे मजबूत रखा जाए, और हिंदी पट्टी के राज्यों में फतेह के लिए ठोस प्लान बने, इस पर भी चर्चा होने वाली है। कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद पहुंचे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है आज से, ऐसे माहौल में जब आप लोग एक हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन बन रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब हम एक हो रहे हैं, हर एक को अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करना है, योगदान करना है, तो हमको जो योगदान करना है उस एकता में, जो हमें योगदान करना है उसको हम सशक्त रूप से तैयार कर सकें, तैयार करके उसको हम पूरे इंडिया को ऑफर करें। तो क्या 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा 2024 के लिए मंथन होगा खुर्शीद साहब? नहीं, मुझे उम्मीद है, अभी एजेंडा हमने नहीं देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जब सब लोग बैठते हैं तो 2024 के चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो क्या ये मान के चलें कि 2024 में तैयार हैं आप नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए? हम तो हमेशा से तैयार थे, अब और मजबूत हो गए हैं, और जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो सब लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो यकीनन हम लोग कामयाब होंगे। आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है तो आपके अंदर भी एक सहमति बनेगी कि आप पूरी तरीके से इंडिया के साथ हैं, क्योंकि कभी कभी पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में थोड़ी खटपट नज़र आती है सर? अब वो खटपट थोड़ी बहुत इसलिए चलती है कि लोकल स्तर पर समय लगता है लोगों को समझने में कि हमें क्या करना है। कांग्रेस का हर व्यक्ति, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर कुर्बानी के लिए तैयार है, जो कुर्बानी इस देश को वापस उस रास्ते पर ले आए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिखाया था। तो ये हैं सलमान खुर्शीद, जो हैदराबाद पहुंचे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए, और उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि वो पहले से तैयार थे नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, लेकिन अब क्योंकि इंडिया का अलायंस बन गया है तो वो और ज़्यादा मजबूत हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। साथ इस समय धीरज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं। सर, कल जो मीटिंग होने वाली है मिशन राजस्थान 2030 वाली, इसके बारे में सर बताइए। मिशन 2030 के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि अगले 5 साल में राजस्थान कैसा होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, और जन भागीदारी को साथ रखते हुए लोगों की भावना क्या है, वो कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं, उस दिशा में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे सरकार ने सबको शामिल किया है। तो चूँकि मुख्यमंत्री जी का हैदराबाद में प्रवास था 2 दिन, और उन्होंने अपने आप ये समय निकाला, हैदराबाद के और आसपास के जितने भी प्रवासी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री, हर सेक्टर के लोग, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 250 से भी ज़्यादा संस्थाएँ यहाँ तेलंगाना में काम कर रही है, राजस्थानी संस्थाएँ, उन सब होने के बाद पहले बार आज मीटिंग हो रहा है। खड़गे जी के अध्यक्षता में सोनिया जी, राहुल जी सभी आएंगे, और देश को नेतृत्व तो कांग्रेस का ही है, इंडिया और मिलकर सब काम करेंगे और कामयाबी की ओर
आप देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, निश्चित तौर पर फायदा होगा उसका। इंडिया से जो अलायंस हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि थोड़ी सी कांग्रेस के कुछ नेताओं में नाराजगी दिखती है। ये नाराजगी तो कुछ नहीं है, सीट एडजस्टमेंट के मामले हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आप संभाल लेंगे सर, क्योंकि अजीत दादा चले गए बीजेपी के साथ अब? अब ठीक है, जिनको जाना चले गए, जो रहना वही बचा है इंडिया। तो उम्मीद करें कि इंडिया सक्षम है टक्कर देने में नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जो कि CWC की बैठक में शामिल होने आए हैं हैदराबाद, उन्होंने कहा है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर थोड़ा बहुत तालमेल का अभाव है, लेकिन जल्दी सीट शेयरिंग पर भी इंडिया में समझौता हो जाएगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज हैदराबाद। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से CWC की बैठक होनी है, सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी की तरफ से एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है कि मजबूती पर, रणनीति पर चर्चा होगी, जिस पर फोकस रहेगा।